वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम हस्बनल्लाहु व नअमल वकील नअमल मौला व नअमन नसीर أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماؤه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا ينال غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصغور ميدان عرض ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتب النبيين طه وياسين أبي القاسم مصطفى محمد ولا سيما على ابن عمه ياسوب الدين والايمان كلمة الرحمن باب امن والامان مصداق كل شيء احسيناه في امام مبين النجم الثاقب حسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب النجم الثاقب مولانا علي ابن ابي طالب ولا سيما على بخية الله العظم على الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما الاموال واولادكم فتنه ایک صلوات پر دیبر محمد اللهم صل على محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان محترم जैसे कि हर जुमे को जैसे कि सैयदुल अय्याम जुमे का दिन सैयदुल अय्याम है दिनों का सरदार खुदावंद आलम ने जुमे को करार दिया है और ख़ास तौर पर इस दिन की फजीलत के बारे में मैं इससे बढ़कर और क्या कहूँ कि जिस जहाँ पर कुरान मजीद में 114 सूरे हैं उन तमाम सूरों में से एक सूरा पूरा जुमे की फजीलत में बयान अल्लाह ने किया है जिसका नाम ही सूरे जुमा रख दिया अल्लाह अकबर यानी जिसकी फजीलत में यानी एक सूरा जो इसी बात पर खुदावंद आलम ने अपने बंदों को अपने चाहने वालों को अपने इताअत करने वालों को अल्लाह ने उकसाया उभारा कि देखो या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा ऐ ईमान लाने वालों ऐ मोमिनीन जब तुम जुमे के दिन अजान जुमा सुनो इज़ा नूदिया लिस्सलातिल जुमा नमाज जुमे की अजान जैसे ही तुम सुनो फसो इला ज़िक्र अल्लाह तो जल्दी करो ज़िक्र खुदा की तरफ यानी जल्दी आगे बढ़ जाओ नमाज जुमा पढ़ने के लिए यानी अज़ीज़ान गिरामी आपने गौर फरमाया और जिस अहमियत से जिस अहतमाम से आज आप मौजूद हैं नमाज जुमा को नमाज जुमा पढ़ने के लिए और अज़ीज़ान गिरामी और एक ज़रूरी जो जुमा भी होता है और ख़ास तौर पर जो भी ख़तीब जुमे के दिन खुतबे दिए जाते हैं ख़ास तौर पर वाज़ो नसीहत हुआ करती है क्योंकि मोमिनीन के लिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद जहाँ पर खुदावंद आलम की तारीफ़ जितनी भी की जाए जैसे कि खुद मौलाना ने फरमाया कि ज़बानें तारीफ़ करते करते थक जाएगी नेकियों को खुदा की जो अल्लाह ने जितनी रहमतें नेमतें दी हैं इंसान कौन करते करते गिनते गिनते थक जाएगा फिर भी उसकी नेकियों को और उसकी नेमतों को कोई शुमार नहीं कर सकता खुद मौलाए कायनात ने जो इरशाद फरमाया खुतबे में इमाम ने क्या फरमाया इमाम फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मिदहतहुल काइलून तारीफ़ करने वाले उसकी सही से तारीफ़ ना कर सके अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मिदहतहुल काइलून
वला युहसी नअमाउहुल आदून, इतनी नेकी अल्लाह ने अता की जिसको कोई शुमार भी काउंट भी नहीं कर सकता। जहाँ पर खुदा की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, जितनी भी उसकी हमद सना की जाए कम है। जहाँ पर उसने हर नेमत से इंसानों को नवाजा, और नेमतों में भी कुछ इख्तलाफ था। बाज़ नेमत वो है कि जो आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगी, लेकिन जब ख़बर में चले जाएंगे आप, वो नेमत आपसे सल्ब कर ली जाएगी। बाज़ नेमतें ऐसी हैं कि जो नेमतें आपको ख़बर में भी काम आने वाली है, महशर में भी काम आने वाली है, कौसर पे भी काम आने वाली है, जन्नत में भी काम आने वाली है। तो बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने दी है, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी आप यह याद रखें, ये गौरतलब मसला है। जहाँ पर इतनी नेमतें अल्लाह ने दी, एक नेमत ऐसी भी दी कि जो इंसान का सवाब जारिया करार दिया गया। आप सोचेंगे कि सवाब जारिया की बात करें मौलाना, कोई मस्जिद बना ले तो वो भी सवाब जारिया है, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी उससे भी पावरफुल, उससे भी ज़्यादा जो सवाब जारिया है एक बंदे मोमिन के लिए, उसकी औलाद है। उसकी औलाद है कि जो उसके सवाब जारिया है, जहाँ पर तमाम इंसान, जहाँ पर सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, इंसान अपनी औलाद को अज़ीज़ रखता है। इसलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में, खुदावंद आलम ने सूरह अनफाल में ये तो इरशाद फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक हमने तुमको नेमतें दी, हमने तुमको माल दिया, ये भी नेमत है अल्लाह की तरफ से। इन्नमा बेशक हमने तुमको क्या दिया, अमवालुकुम माल दिया, उसके बाद का औलादुकुम औलाद दी, फितना, ये फितना है, ये उर्दू वाला फितना फसाद नहीं है। अरबी में फितना कहते हैं आजमाइश को, अरबी में फितनतुन कहते हैं आजमाइश को। ये तुमको हमने माल देकर आजमाया है, तुमको औलाद देकर आजमाया है, ये आजमाइश है तुम्हारे लिए। अज़ीज़ान गिरामी रुक कर ये जुमला मैं क्यों ना कहूँ कि ऐसे ही मिंबर सजा हुआ था, मस्जिद नबवी खचाखच भरी हुई थी, इमाम हुसैन मस्जिद में तशरीफ़ ले आए, और जैसे ही इमाम का दामन उलझा और सरकार सैयद शहदा इमाम हुसैन ज़मीन पर गिर गए। यही मजमा था, ऐसे ही मजमा था, इससे कहीं ज़्यादा मजमा था। पैगम्बर ऐसे ही खुतबा दे रहे थे, पैगम्बर ने अपने खुतबे को तोड़ा और जल्दी से आगे बढ़े, बढ़ के हुसैन को गोद में उठा लिया। अब तमाम मजमा परेशान कि पैगंबर खुतबा दे रहे हैं, किसी को इशारा कर देते, कोई जाकर हुसैन को उठा ले। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी पैगंबर भी जानते थे कल के दिन यही मुसलमान कहेंगे, एक मरतबा जब हुसैन मस्जिद में गिरे थे, हम ही ने तो हुसैन को उठाया था। लेकिन पैगंबर ने यह नहीं कहा, बल्कि पैगंबर आगे बढ़े और बढ़ के इमाम हुसैन सरकार सैयद सौदा को उठा लिया। अब अज़ीज़ान गिरामी मिजाज खतीब यह होता है कि अब किसी टॉपिक में मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, अगर एक बायक मैं टॉपिक चेंज कर दूं तो लोग कहते हैं खिबला एक टॉपिक पे जा रहे थे वालिदैन की, अचानक इनको क्या हुआ, गीबत पे शुरू हो गए। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी पैगंबर जो कि फसाहत व बलागत के मालिक है, पैगंबर से ऐसी गलती नहीं होती। पैगंबर खुतबा दे रहे थे, खुतबे को तोड़ा, इमाम हुसैन को गोद में उठा के लाया, उसके बाद फरमाया हाज हुसैन फ़ारिफू हो, ये हुसैन है इसे पहचानो। अब अज़ीज़ान गिरामी उसके बाद पैगंबर ने वहाँ पर उस खुतबे में जब हुसैन को उठा लिया, उठाने के बाद एक आयत पढ़ी, यही आयत जिसको मैंने अभी आपके सामने तिलावत फरमाई, इन्नमा आमालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे माल, तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश थे। यानी पैगंबर बताना क्या चाह रहे हैं, अय उम्मतियों, अय मुसलमानों, अय मोमिनों, पहचान लो, अगर हुसैन वहाँ गिर रहे हैं तो हुसैन नहीं गिर रहे हैं, बल्कि पैगंबर की आजमाइश हो रही है कि हुसैन अपने खुतबे को ज़्यादा अहमियत देते हैं या बकाए इस्लाम हुसैन को ज़्यादा अहमियत देते हैं। पैगंबर अकरम अपने खुतबे को ज़्यादा अहमियत देते हैं या बकाए इस्लाम जो फर्जंद रसूल जो गिरा है उसको उठाकर लाकर पैगंबर ने बताया, देखो ये औलाद तुम्हारे लिए फितना है। औलाद फितना है मतलब वो फितना फसाद नहीं है, बल्कि औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश, सवाल किया जाएगा, आजमाइश की जगह है, सवाल किया जाएगा, हमने तुमको औलाद दी थी, तुमने उसकी कैसी तरबियत की। अब अज़ीज़ान गिरामी एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात, क्योंकि जैसे कि औलाद के बारे में जैसे इंसान और ख़ास तौर पर पैगंबर अकरम ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि ये दौर बहुत ही पुराशोब दौर है अज़ीज़ान गिरामी, हर कोई इस ज़माने में गुनाह करना भी आसान है, और गुनाह करना इतना आसान है कि शायद कि किसी ज़माने में इतना आसान था गुनाह करना। गुनाह करने के लिए किसी को जाने की ज़रूरत भी नहीं, घर पर इंसान गुनाह कर सकता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं कि जाकर वहाँ गुनाह कर, वहाँ फला जगह पर जो है मसलन शराब नोशी चल रही है तो वहाँ जाके बियर और जिसको बोला जाए कि होटल में जाके कुछ पी रहा है, नहीं, अज़ीज़ान गिरामी घर बैठे भी मंगा सकता है इंसान,
घर बैठे भी ऑर्डर करे तो इतना आसान हो गया गुना। पहले लोग छुप छुप के जाते थे, लेकिन अब छुप छुप के नहीं बल्कि घर पर हर चीज आ जा रही है। तो गुनाह करना बड़ा आसान हो गया अज़ीज़ान गिरामी आज के ज़माने में, लेकिन जितना गुनाह आसान हो गया, और रिवायतें भी इसी तरीके से रिवायतें कहती हैं कि याद रखो अपनी औलाद को संभालो। पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि आखिरी ज़माने पर जब लोग अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होंगे और उनके वालिदैन की वजह से मुसीबत है, और यही बच्चों से भी कहा कि इनको जो मुसीबत है ना, इन बच्चों को अपने वालिदैन की वजह से भी मुसीबत है। आप सब परेशान होंगे, कैसे हो सकता है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए मुसीबत बन जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, पैगंबर अकरम का जुमला है, मासूम नबी है, ख़त्मी मर्तबत रसूल है, और जिसके बाद नबूवत ख़त्म हो चुकी, आखिरी नबी जो आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, वो पैगंबर इरशाद फरमा रहे हैं कि लोगों ने पूछा क्या पैगंबर अकरम मुशरिक वालिदैन की वजह से बच्चे परेशान रहेंगे। बहुत तवज्जो चाहता हूँ जानी ग्रामी, सवाल करने वाले ने क्या सवाल किया, क्या मुशरिक काफिर बेदीन लोग क्या इनकी वजह से इनके बच्चे परेशान रहेंगे? कहा नहीं नहीं, आपने फरमाया नहीं, बल्कि मोमिन वालिदैन की वजह से परेशान रहेंगे। कैसे परेशान रहेंगे मोमिन वालिदैन की, जो अपनी औलाद को दीनी वाजिबात के मुतालिक कुछ नहीं सिखाते, खुद तो दीनदार है, बाप नमाज का पाबंद है, बाप माँ भी नमाज की पाबंद है, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों को ये कह नहीं सकते कि बेटा नमाज की पाबंदी करो। खुद तो पाबंद नमाज है, खुद तो पाबंद रोज़ा है, हर चीज़ अखलाक दर्जा उला आखिरी हद तक जो है ना अखलाक के हामिल है, तमाम चीज़ें होने के बावजूद खुद तो कहते हैं कि मैं तो पांच वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं कोई वाजिबात को तर्क नहीं करता, लेकिन जहाँ पर औलाद की बात आती है कहाँ क्या करें, बात नहीं सुनता, सख्ती नहीं करते, उसके ऊपर देखते नहीं कि इन्हें नमाज वाजिबात अदा कर रहा है नहीं कर रहा है, घर कब आ रहा है, घर से जा रहा कहाँ है, किससे मिल रहा है, किससे बातें हो रही है। वालिदैन का ये ऐसे वालिदैन के जो अपने बच्चों को वाजिबात की तालीम नहीं सिखाते, अगर औलाद तालीम हासिल करना भी चाहती तो इन्हें मना करते हैं और इनके बारे में दुनिया के हकीर मकदार पर खनाल करते हैं, मैं ऐसे लोगों से बेजार हूँ और वो मुझसे भी बेजार है। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर ने फरमाया कि जो अपने बच्चों को, बच्चे चाहते हैं कि दीनी तालीम हासिल करें, बच्चे चाहते हैं कि दीन हासिल करें, लेकिन ना खुद बच्चों की तरबियत करते हैं और ना अगर बच्चे कहीं जाना चाहते हैं, मदरसे को जाना चाहते हैं या दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो कहते हैं नहीं बेटा अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी आपको बहुत पढ़ना है, बाद में पढ़ लेंगे, तुम जब पढ़ के नौकरी पर चढ़ जाओगे, जब बिजनेस करने लगोगे तब पढ़ लेना। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, ऐसे वालिदैन भी, आप ताजुब कर रहे होंगे क्या ऐसे वालिदैन भी है, मेरा तजुर्बा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जाकर घर पर दस्तक देने के बावजूद बच्चों से ये कहा कि बच्चों को भेजे, नहीं मौलाना वो सुबह स्कूल है, फिर बच्चों के ट्यूशंस है, अब ट्यूशन के बाद बच्चे थक जाते हैं, क्या मदरसा भेजे हम, क्या बच्चों को पढ़ाए। तो ये मिजाज वो लोग हैं जो कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता नहीं करना चाहते। ऐसा दौर भी है अज़ीज़ाने गिरामी, और ये याद रखें औलाद के मामले में जितना हम वो होंगे, और इसके बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, ये बड़ी अजीम हदीस है पैगंबर ने, जो छठे इमाम फरमाते हैं कि जिस कदर जल्दी हो सके अपने फर्जंद को इस्लामी अहादीस और मजहबी मसाइल सिखा दो। यानी इमाम मासूमीन जिनकी निगाह क़यामत तक के रोज़ तक है, जिनकी दूर तलब निगाह है, वो इमाम फरमाते हैं कि अपने बच्चों को दीनी बातें सिखाओ, दीनी मसाइल सिखाओ, उनको दीन क्या है बताओ कि किस दीन पर हो तुम। कहा किस लिए? कहा इसलिए क्योंकि इससे बीस्तर कि तुम्हारे मुखालिफ तुम पर सबखत कर जाए और तुम्हारे बच्चों के दिलों में अपनी गुमराहकन बातें डाल दे। यानी अज़ीज़ाने गिरामी, आपने फरमाया आज दुश्मन इस ताक में बैठा हुआ है, इस ताक में बैठा है कि किस तरीके से शरीयत को बर्बाद किया जाए, उनके नौजवानों को बर्बाद किया जाए, उनके बच्चों को बर्बाद किया जाए। इमाम इसलिए फरमा रहे हैं अपने चाहने वालों को कि देखो अपने बच्चों को दीनी तालीम और दीनी मसाइल और हमारा हकीकी क्या दीन है वो सिखा दो, क्योंकि अगर तुम नहीं सिखाओगे तो दुश्मन इस ताक में बैठा हुआ है कि तुमसे पहले वो तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे आँखों के सामने तुम्हारे बच्चों को गुमराह कर देंगे। तुम्हारे बच्चे जब गुमराह हो जाएंगे तो ये याद रखना, वो बच्चे जिसके बारे में कुरान ने ये फरमाया कि ये औलाद और अजवाज तुम्हारी आँखों की ठंडक है, यही औलाद आपको चुभने लगेगी।
अब अज़ीज़ाने गिरामी क़यामत में तो सबको जाना है महशर में। हम बड़े ठाट बाट से जा रहे हैं, आबे कौसर पे मौलाए कायनात अपने हाथों से जामे कौसर हमको पिलाएंगे। हम आगे आगे हैं, पीछे हमारा कोई फर्जंदी नहीं है, ना हमारे कोई घर वाले हैं। कहा मौला ने, अगर मौला पूछ लें कि अकेले आ गए, पूरे घर को छोड़ के आ गए तुम, तुम्हें मौला मैं तो दीनदार हूँ। कहा तुम्हारे लिए, तुम अपने घर के वाली और सरपरस्त थे, तुम्हारे लिए चाहिए था कि जिस तरीके से तुम मेरे पास आए हो और अपने साथ अपने ख़ानदान वालों को, अपने कम से कम अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपनी बीवी को तो दीनदार बनाते। और अज़ीज़ाने गिरामी रिवायतें भरी पड़ी हुई है, सिर्फ हमारे दीनदार होने से कुछ नहीं होता, बल्कि हम अपने घर में दीनी माहौल पैदा करें। हम अपने घरों में चाहिए कि हम जब पाबंदी वक्त से नमाज़ पढ़ेंगे तो ये बच्चे खुद ब खुद देख कर ये आपकी तरफ मायल होंगे और हमारे नक्श कदम पर चलेंगे कि मेरे वालिदैन नमाज़ क़ज़ा नहीं करते। तो अब ये बात अज़ीज़ाने गिरामी बहुत गौरतलब मसाला है। इमाम ने जो इरशाद फरमा दिया को याद रखना, अगर दीनी मसाइल तुम अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे, अपने बच्चों को दीन नहीं बताओगे, तो ये याद रखना दुश्मन तुम्हारे बच्चों को तुमसे जुदा कर देंगे। और अज़ीज़ाने गिरामी आज हो रहा है, आप देखें आज ये हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं मोमिनीन में से जो कि बच्चे दीनदार नहीं हैं, बच्चे ना जाने ऐसे से गुनाह कर रहे हैं, यहाँ वहाँ किसी भी मज़हब को इख्तियार कर ले रहे हैं, ऐसे ऐसे अकायद बच्चों के पास मौजूद है, ऐसी ऐसी चीज़ें इनके जहन में बैठ गई कि अब उनको उन चीज़ों को निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। और जो उम्मत में जो हम देख रहे हैं जो इख्तलाफात हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनको दीन ही नहीं मालूम। और मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसे इलाकों में भी देखा जहां पर बच्चे सुन्नी वजू कर रहे हैं, जिन बच्चों को कलमा नहीं आ रहा है। वजह क्या है? वालिदैन दीन पर कोई दिलचस्पी नहीं है, वालिदैन को कोई दिलचस्पी नहीं है, बस ये चाहते हैं कि बच्चे इंग्लिश मीडियम से स्कूल में पढ़ लें, उसके बाद वो अपने वो जाने और उनका काम जाने। हमारा मतलब, हमारा मकसद ये था कि बच्चों को दीनी तालीम पढ़ा दें और वापस उनको उनकी अपने काम पर लगा दे। लेकिन अज़ीज़ाने गिराम ये बताया कि यहाँ पर जो ज़िंदगी है 30, 40, 50, 60, 70, 80 बहुत हुआ 100, लेकिन ये बताएं आज कोई भी ये गारंटी नहीं ले सकता, कल की कोई गारंटी नहीं ले सकता, कल के दिन ये कोई नहीं कहता कल भाई कल भी मैं ज़िंदा हूँ, हयात का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अज़ीज़ाने गिराम यही बच्चे हमारे, अगर हम दीन की तरफ उनको लेके आएँ, अहकाम इस्लामी सिखाएं, मजहबी मसाइल को उनको बताएँ, तो यही बच्चे हमारे लिए सरमाए हयात होंगे और यही बच्चे हमारे लिए सवाब जारिया होंगे। क्योंकि जब उनको मालूम ये होगा कि हमारे दीन में ये चीज़ें हैं और उस पर अमल करेंगे, तो ये याद रखें यही जो बच्चे जो आपके लिए दुआएं करेंगे, यही बच्चे जब आपके हक़ में खुदावंद आलम से एक बारगाह में मग़फ़रत की दुआ मांगेंगे तो खुदा उस मग़फ़रत को और उस दुआ को रद्द नहीं करता। अज़ीज़ाने गिरामी आपको मालूम होना चाहिए कि जनाब मूसा के ज़माने में जब जनाब मूसा अपने हवारियों के साथ कब्रस्तान से गुजर रहे थे तो बड़ी जल्दी जल्दी मूसा ने कहा बड़ी जल्दी करो, अजाब नाजिल हो रहा है इस कब्र पर। बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए, बढ़ने के बाद जब वापस आए तो उसी कब्र पर बैठ के उसके लिए मग़फ़रत की दुआ कर रहे थे। परेशान हो गए सहाबा कि अए मूसा, जब हम इसी कब्रस्तान से इसी कब्र से गुजर रहे थे, आप बड़ी जल्दी से भाग रहे थे, अजाब नाजिल हो रहा, आप उसी कब्र पर आप बैठकर इसके लिए हक़ में इसकी मग़फ़रत के लिए दुआ कर रहे हैं, वजह क्या थी? तो अज़ीज़ाने गिरामी जनाब मूसा ने ये फरमाया कि ऐ मेरे असहाब, जब मैं जा रहा था तो इस पर वाकई अजाब नाजिल हो रहा था, जब मैं वापस आके देखा तो इसकी कब्र पर रहमत नाजिल हो रही है। और इसके बारे में जब मैं खुदावंद आलम से मैंने सवाल किया कि अय खुदावंद आलम, यह वजह क्या थी कि तू इस पर रहमत क्यों नाजिल कर रहा है, तो खुदावंद आलम ने फरमाया कि इसका बच्चा दीनी मदरसे में जाकर मेरे लिए कह रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सीखा, यानी मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहीम और रहमान परवरदिगार है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो मुझे खुदा ने कहा कि मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आने लगी कि जिसका बच्चा मेरे रहमान और रहीम होने की गवाही दे रहा है कि मैं उसके बाप की कब्र पर अजाब नाजिल करूँ, मुझे शर्म आने लगी। यानी अज़ीज़ाने गिरामी आप ज़रा गौर फरमाए, खुदा को भी ये अदा पसंद नहीं है कि खुदा वो बच्चे जो अपने वालिदैन के लिए मग़फ़रत की दुआ कर रहे हैं, रहमतों के लिए दुआ कर रहे हैं, खुदा कोई गवारा नहीं है कि उनके वालिदैन पर अजाब नाजिल हो। ये लम्हे फिक्री आए हमारे लिए, आज हम अपने बच्चों को सही तालीम देंगे, सही तरबियत देंगे, दीनी मसाइल से आगाह करेंगे, यही बच्चे हमारी नजात के ज़ामिन है, यही बच्चे हमारे लिए मग़फ़रत की दुआएं करेंगे, यही बच्चे हमें हर मोड़ पर याद रखेंगे। और ये याद रखे, जो भी वालिदैन जब
अब बात आ गई तो मैं अर्ज़ करूँ, आलम बरज़ख़ का वाक़िया है, जहाँ पर आलम बरज़ख़ में मुख्तलिफ लोग अभी तक जो क़यामत से पहले एक मंजिल है आलम बरज़ख़, क्योंकि क़यामत अभी नहीं है, जब क़यामत होगी तभी तो फ़ैसला होगा कि जन्नत में कौन जाएगा जहन्नम में कौन जाएगा, अभी तो कोई फ़ैसला का क़यामत के बाद ही फ़ैसला होने वाला है। लेकिन ये तमाम अरवाहें जब जो कोई भी इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो जाता कहाँ है, कहाँ वो आलम बरज़ख़, एक ऐसी दुनिया है हमारी तरह, ऐसी दुनिया है जिसको आलम बरज़ख़ कहते हैं, क्योंकि क़यामत और इस दुनिया के दरमियान भी एक दुनिया है जिसको बरज़ख़ कहते हैं। वहाँ पर एक आलम दीन ने, ये बहुत बड़े आलम दीन है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने एक ख्वाहिश की कि आलम बरज़ख़ में देखना चाहता हूँ। कई दिन तक उन्होंने दुआएँ की और तवसल करते गए अहले बैत का वास्ता दे करके, मैं आलम बरज़ख़ देखना चाहता हूँ। तो इन्होंने क्या देखा, वो कहते हैं कि मैंने एक मरतबा क्या देखा कि मैं सो गया, मैंने देखा आलम बरज़ख़ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कई किस्म के लोग मौजूद है, और मैं देख रहा हूँ वहाँ पर उलमा भी मौजूद है, फुकहा भी मौजूद है, उलमा भी मौजूद है, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन भी मौजूद है, पूरे हर यानी जिसको कहा जाए कि दुनिया में जब जिनका इंतकाल हो जाता है वो आलम बरज़ख़ में होता है। कहा मैंने सबसे मुलाकातें की, सबको देखा, लेकिन एक चीज़ मुझे मेरे दिल को जो लगी, जिसको कहा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान उसको भूल नहीं पाता, ज़िंदगी में इंसान के कोई ऐसा वाकया हो जाता है कि वो इंसान भुला कर भी उसे भुला नहीं सकता, वो वाकया क्या हुआ, वो कहते हैं कि मैं जब आलम बरज़ख़ में गया तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त था, और उस दरख्त के बहुत सारे पत्ते थे, और वो पत्ते टूट के गिर रहे हैं, तो लोग उस पत्ते को लूटने के लिए, जैसे कहा जाता है कि पत्ता गिरा ज़मीन पर, ज़मीन पर गिरने से पहले लोग उसको छीनम छानी कर एक दूसरे से खींच रहे हैं। कहा मैंने यही मंज़र देखा कि एक ठाटे मारता हुआ समंदर है लोगों का, जैसे ये पत्ते गिर रहे हैं लोग उसको एक दूसरे को ऊपर हमला कर रहे हैं, छीन ले रहे हैं। कहा वो क्या था, और मैंने एक ऐसे शख्स को भी, कुछ चंद ऐसे अशखास को भी मैंने देखा कि जो उन पत्तों के चक्कर में नहीं बल्कि अकेले बैठे हुए बड़े आराम से इबादत कर रहे हैं। तो मैं उनके पास गया, जाने के पास कहा इतना मजमा है दरख्त से जो भी एक पत्ता गिरता है तो ये लोग एक दूसरे पर हमलावर होते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे के हाथ से छीन लेते हैं, ये वजह क्या, ये पत्ता है क्या चीज़, और ये जो पत्ते गिर रहे हैं इसको लूटना क्यों चाह रहे हैं, और आप लोग क्यों नहीं लेते इन पत्तों को, जब वाकई इतने अहमियत के हामिल है तो आप क्यों बैठे हुए आप लोग सुकून से। तो अब अज़ीज़ा निगरामी आलम बरज़ख़ में वो मोमिनीन जो बैठे हुए थे उन्होंने फरमाया कि जो ये पत्ते गिर रहे हैं, जब कभी इस दुनिया में कोई सूरह फातिहा पढ़ता है जुमला मोमिनीन मोमिनात के लिए, तो जैसे ही सूरह फातिहा मोमिनीन तक पहुंचती है वो पत्ते की शक्ल में ज़मीन पर गिरती है, तो लोग उसको उठा लेते हैं। क्यों कहा कि यही पत्ते हैं जिसकी वजह से हमको खाना मिलेगा, यही पत्ते हैं जिसकी वजह से हमको सहूलतें मिलेगी, तो जिसके पास पत्ता होगा, ये सूरह फातिहा जो हम पढ़ते हैं जुमला मोमिनीन मोमिनात के लिए, ये पत्तों की शक्ल में गिरते हैं। कहा फिर आप लोगों को भी तो ज़रूरत होगी खाने की। कहा हमें इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हमने अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को छोड़ कर हम आए हैं, हमारी औलाद हमको रोज़ाना ही सले सवाब करते रहती है और हमारा खाना हमको रोज़ाना मिल जाता है, हमको लूटने की ज़रूरत नहीं है। ये वो लोग थे जिनकी औलाद बेदीन थी, जिन्होंने दीन नहीं सिखाया अपनी औलाद को, इनकी औलाद इनके लिए कुछ नहीं भेजती, अब ये इसी तरीके से लूटते रहते हैं ताकि कुछ मिल जाए तो एक टाइम का गुजारा हो जाए। ज़ीदाने ग्रामी आप गौर फरमाए कितना अहम मसला है ये बच्चे हमारे लिए, जो आज के जो छोटे बच्चे हैं कल जवान होंगे, ये जब अपने बच्चों को भी दीनी तालीम देंगे, अपने बच्चों को भी दीनी मसाइल सिखाएंगे, तो ये याद रखे ये बच्चे हमारे लिए, तमाम लोगों के लिए ये बच्चे सवाब जारिया का काम करते हैं। और खुदावंद आलम की बारगाह में बस मैं यही दुआ करूँगा, मालिक की वास्ता है अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का, खुसूसन सरकार सैयद शहदा की मज़लूमियत का वास्ता, मालिक इन बच्चों को जो हमारे नौजवान बच्चे हैं और वालिदैन को भी खुदावंद आलम नेक तौफीकात इनायत फरमा, मालिक की वास्ता अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का, जो भी मोमिन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं इनकी जो भी जायज़ हाजतें हैं तमाम जायज़ हाजतों को कबूल फरमा, मालिक की वास्ता अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का, जो